अब जो है हमारे पास डिस्क्रिप्शन आती है, दो तरह की डिस्क्रिप्शन हमारे पास है। हमने मेज को डिस्क्राइब करना है, हमने कॉम्बिनेशन बनाया बहुत सारे सेंस डेटा का, सेंस डेटा की पूरी फिलॉसफी एक्सप्लेनेशन कर दिया सारा। जब इन्होंने वो नॉलेज बाय एक्वेंटेंस लिखा तो सेंस डेटा किस किस तरह से आते हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं, वो सब पहले हो चुका है, यूं लॉग वगैरह के ज़माने में हो चुका है, उसको दोबारा इन्होंने रिपीट किया है। तो इन सेंस डेटा को हम कॉम्बिनेशन करते हैं लॉग की तरह से, और जब कॉम्बिनेशन करके इनको देखते हैं तब डिस्क्रिप्शन की ज़रूरत पड़ती है। तो हमने कहा जी रेड पैचेज स्प्रेड इन 4-3 feet लेंथ हैविंग ए रेक्टेंगुलर फिगर, जो कि तो डायरेक्ट देख लिया ना, एंड हैविंग गुड साउंड। अब ये सारी चीज़ अब एक्सप्लेन करने लगे तो दो तरह से एक्सप्लेन हो जाएंगे। एक होगा जिसमें हम कहेंगे कोई वस्तु ऐसी है सो एंड सो, ये सो एंड सो का शब्द जहाँ प्रयोग होता है, कोई वस्तु ऐसी है जिसको टेबल कहा जाता है, कोई आदमी ऐसा है जिसको हम सुकरात कहते हैं। तो इस तरह के जो फ्रेजेज हैं जिसमें सो एंड सो का प्रयोग होता है वो सब इनडेफिनिट या वेग डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन है। ऐसे वेग डेफिनेशन हमारी जो वेग डिस्क्रिप्शन जो है हमारी वो कॉमन सेंस में कॉमन लैंग्वेज में जो काम दे जाती हैं, तार्किक लैंग्वेज में आएंगी तो उस मीनिंग कुछ नहीं पता लगेगा। तो हमारी जो डिस्क्रिप्शन है अगर वेग डेफिनेशन है तो फिलोसफिकल डेफिनेशन नहीं हो सकती डिस्क्रिप्शन। तो हम क्या करेंगे, हम उसको फिलोसफिकल बनाने के लिए डेफिनेट करेंगे। सोक्रेटिस वाज ए फिलोसफर, अब इस वाज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इट इज ए मैन हु लिव्ड इन ग्रीस इन एंशियंट ग्रीस नेम्ड सोक्रेटिस। अब ये डेफिनेट डेफिनेट हो गई डेफिनेट। इस तरह के बहुत सारे फिक्रे उन्होंने बनाए हैं। हालांकि लोगों ने रसल पर ये ऑब्जेक्शन लगाया कि रसल ने सिंपल सेंटेंसेस को इतना लंबा चौड़ा बना करके कन्फ्यूज कर दिया। इट इज़ समथिंग, अब समथिंग में तो वेग हो जाएगा, इट इज़ ए थिंग इन विच आई ट्रेवल अप टू लंदन इज कॉल्ड कार। तो यहाँ इस तरह के छोटे इट इज़ ए कार, सीधी ये कहते हैं लेकिन कार नाम का ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। एक ऐसी चीज़ है जिसमें बैठ करके मैं लंदन जाता हूँ उसको कार कहते हैं। तो ये जो है अब ये डेफिनेट डिस्क्रिप्शन आने शुरू हो जाएंगे। ये डेफिनेट डिस्क्रिप्शन जो है ये हमारी उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं जिसको हम डेफिनेट। तो इसमें ये पता लग जाएगा कि हमने किसी ऑब्जेक्ट को डिफाइन नहीं किया बल्कि हमने जो सेंस डेटा थे उनको इट इज़ कॉल्ड, कॉल्ड का मतलब इसका नेम है कार, पता नहीं ये कार है या नहीं है लेकिन इसका कार नाम है। तो ये कार नाम हम कैसे बनाते हैं, कार नाम ऐसे बनाते हैं कि हमारे कन्वीनियंटली जो हमारी चीज़ें चल रही हैं उनको हमने लैंग्वेज में कुछ इस ग्रुप का हमने लैंग्वेज में क्या नाम दे दिया। तो ये कार का नाम जो है हमने लैंग्वेज में दिया है इस ग्रुप को, ऐसे लाल पैच हों, इतने लंबे हों, इतने इतने चौड़े हों, उनमें खटखट की आवाज़ आती हो तो उस पैच को हम लैंग्वेज में टेबल कहेंगे। टेबल नाम की कोई चीज़ नहीं है, टेबल है ही नहीं दुनिया में, ये तो कन्वीनियंट नेम हमने रख दिया है। हमारी सुविधा के लिए हमने इतना एक्सप्लेन करने की बजाय कि हम इतना लंबा चौड़ा कहें कि मेरे घर में लाल लाल पैच हैं वो 3 feet तक लंबे हैं और चौकोर शक्ल में हैं और उनको छूने से हार्ड लगते हैं और उनको खटखट करने से उनको आवाज़ खटखट की आवाज़ आती है।
तो लोग कहेंगे यार ऐसे क्या चीज़ है। तो हमने कहा उनका कन्वीनियंट नेम मेज, मेरे घर में एक मेज रखी हुई है। इसी तरह डेफिनेट डेस्क्रिप्शन है मेरे, जो एक ऐसी चीज़ है जिस पर मैं चलता हूँ बैठता हूँ, मूव करती है, मूविंग मेरा देता है डायरेक्ट उस, वो का उसका नाम का वो कार है। तो ये कार जो है एक कन्वीनियंट नेम हो गया। कार नाम की कोई वस्तु नहीं है दुनिया में, कन्वीनियंट नेम है। सारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये सब कन्वीनियंट नेम हैं। किस चीज़ के? ग्रुप ऑफ द सेंस डेटा, सेंस डेटा के पर्टिकुलर ग्रुप के हमने अलग अलग नाम रख लिए हैं।